हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर 2019 का। बेसिकली ये फाइव कोर्सेज़ के लिए जो पेपर होता था, पहले 2019 तक क्या होता था कि फाइव कोर्सेज़ के लिए एक ही पेपर होता था, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीएससी एंड बीए ज्योग्राफी के लिए, जनरल बीए के लिए, बीए सोशोलॉजी के लिए एंड साइकोलॉजी के लिए। सो इन फाइव कोर्सेज़ के लिए 2019 तक एक ही पेपर हुआ करता था और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता था। देन 2020 से जो है ये दोनों डिवाइड कर दिए गए हैं, अब तीन पेपर एक साथ होता है एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी का एक साथ होता है, बाकी पॉलिटिकल साइंस बीए का एक साथ होता है। सो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सेट बी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है कि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और मैं जो डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करती हूँ, तो इसे दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो है हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द इंडियाज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है 2019 में, किसके अकॉर्डिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। जो ये लोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आउट करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन, तो ये 2019 में टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा है वो कौन सा रहा है। सो द राइट आंसर इज़ ए, IISc बैंगलोर। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ये अभी जो आप 22 में पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ये उससे रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर है और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो 2021 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जिन लोगों ने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं और जामे में एडमिशन लेना है आप लोगों का टेस्ट है, सो आप लोग जनवरी से मई तक का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा करंट अफेयर्स, जनवरी 22 से मई 2022 तक का, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मार्क्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली गिवन नॉड फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज़। सो यहाँ पे रिसेंटली मतलब ये 2019 का करंट अफेयर है, सो रिसेंटली तो उस वक्त की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। ये भी आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है अब के एग्ज़ाम के लिए, बट आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि करंट अफेयर से भी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे पूछे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके का, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। यूके के प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्रेजेंट में हैं आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो इनमें से ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है अभी। अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, बोरिस जॉनसन जो हैं ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, यानी कि यूके के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। तो आपको अभी जो करंट वाले हैं उनका नाम पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018। सो ये 2018 का पूछे आप लोगों के लिए, अभी का इंपॉर्टेंट है 2021 का एंड 2022 का। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा विराट कोहली। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न। ये कब का रिसेंटली बात करें, यानी कि 2019 में उस वक्त करंट अफेयर्स में भारत रत्न के अवार्ड्स के बारे में रहा था, तो भारत रत्न अवार्ड 2019 में किसे मिला था, तो प्रणब मुखर्जी जी को। सो ये अभी के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, आपको अब के भारत रत्न जिन जिन को मिले हैं 21 में उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का अभी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो कौन है, बीजेपी के जो अभी नेशनल प्रेसिडेंट है वो है JP नड्डा। JP नड्डा जो हैं ये करंट में क्या है, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं वो JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फाउंडर ऑफ amazon.com। अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो कौन है, अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये पूछ सकते हैं
ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे विलियम बेंटिक। तो बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया में वो कौन थी और वो किस स्टेट की थी। तो सबसे पहले जो थी वो सुचेता कृपलानी जो है, ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं इंडिया की। और ये कहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, यूपी की। सो ये जो है चीफ मिनिस्टर रही हैं, सबसे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं जो इंडिया में पहली बार कोई वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो थी सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बिकम इंडियाज टोटल इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो टोटल इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। सो ये जो है केरला का पलक्कड़। सो केरला जो है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी आते तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि केरला में हर चीज़ डेवलप्ड है, एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर से लेके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से लेके हर चीज़। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है फर्स्ट, वो बना है केरला पलक्कड़। ये 2019 का करंट अफेयर रहा था। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टैटिक में, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट था इंडिया का। सो विच ऑफ दीज नेशनल फ्लैग्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स ऑन दैम। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रीज़, तो यहाँ पूछा गया है कि USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन चारों कंट्रीज़ के फ्लैग पे क्या है स्टार्स हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर में स्टार्स जो हैं वो किस कंट्री के फ्लैग पे हैं। सो USA इज़ द राइट आंसर, USA के फ्लैग पे सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय वॉट नेम इज़ द 24-day साल्ट मार्च ऑफ मार्च टू अप्रैल 1913 ऑल्सो नोन एज। जो सॉल्ट मार्च हुआ था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था सॉल्ट मार्च, वो किस नाम से जाना जाता है। सो वो डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो डी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, डांडी मार्च। और यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी क्वेश्चन से, कितनी बार पूछ लेते हैं कि किस ईयर में डांडी मार्च हुआ था। सो 1930 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of these following is also the name of a popular Microsoft program? The right answer is Word. C जो है, C हमारे पास right answer है। The next question is, in which month are the harvest festival, Pongal, Magh Bihu and Lohri celebrated? So Lohri जो है ये सबको पता है जनवरी में आती है। सो अगर आप लोगों को ये तीनों नहीं पता, अगर आपको एक भी पता है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि लोहरी तो सबको पता है 13 जनवरी में होती है, 13 जनवरी को लोहरी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जनवरी क्या होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन से फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ऑस्कर मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। सो द राइट आंसर इज सत्यजीत राय। ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है सत्यजीत राय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन 2018। 2018 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था। द राइट आंसर इज श्रीदेवी को। सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन जो है, कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। सो द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर कौन थी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था, कहाँ, एशियन गेम्स में। सो द राइट आंसर इज विनेश फोगाट। सी जो है हमारे पास वो राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन। द राइट आंसर इज PV नरसिम्हा राव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वॉज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर जो थे वो कौन थे, वो थे जीवी मवलांकर। सो ए जो है हमारे पास ये राइट आंसर है, गणेश वसुदेव मवलांकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री डज द राजभाषा विभाग फंक्शंस, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, जो भी लॉज वगैरह हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। सो द राइट आंसर इज होम अफेयर्स के अंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लोबल रिटेलर बॉट 77% ऑफ फ्लिपकार्ट फॉर ओवर $16 billion इन 2018। द राइट आंसर वॉलमार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do the five rings of the Olympics represent? Olympics में आपने देखा होगा flag में और जो Olympics का होता है इस तरीके से five rings होती हैं। तो ये five rings क्या represent करती हैं? ये five rings जो हैं ये क्या represent करती हैं? Continents represent करती हैं, five continents represent करती हैं। The next question is With which religion would you associate the practice of Santhara fasting unto death? The right answer is जैनिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। तो डी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है, मतलब सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है इंडिया का, वो कौन सा स्टेट है? सो द राइट आंसर इज सिक्किम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो सिक्किम में जो है सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम लोग रहते हैं वहाँ पर इंडिया के बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग। सो सी जो है यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the only woman to become the Chief Election Commissioner of India? अब तक की जो हैं जो Chief Election Commissioner बने इंडिया के, वो क्या है, mostly male ही रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फीमेल कौन सी थी, वो एक ही फीमेल थी जो अब तक Chief Election Commissioner बनी है इंडिया की, वो एक ही women रही हैं अभी तक, वो कौन थी? V.S. रमा देवी। इनके बाद कोई अब तक women जो हैं वो Chief Election Commissioner नहीं बनी हैं। सो V.S. रमा देवी इज़ द राइट आंसर। V.S. रमा देवी ये ओनली women हैं जो अब तक इंडिया में Chief Election Commissioner रही हैं, वरना कोई भी इनके अलावा अब तक कोई भी फीमेल जो है उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट दिस कोट बाय बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माय डैश एंड आई विल हैव इट, स्वराज इज माय बर्थ राइट। सो डी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बहुत बार यहाँ पे, अब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ले कि स्वराज इज माय, तो यहाँ पे आएगा बर्थ राइट। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेते हैं कि ये आपको सेंटेंस दे दिया, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। सो ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये स्टेटमेंट किसने कही, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये कही है बाल गंगाधर तिलक ने। सो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ से जो एक और क्वेश्चन बनता है, तो ये स्टेटमेंट कही है किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ से जो है ये थोड़ा सा क्या है, ये रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सो 31 to 35 जो है वो क्या है, वो रीजनिंग के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ में ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया है छोटा सा, और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। बस यहाँ पर वीडियो जो है बहुत लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं ये जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। Which of the following person attends the lecture on Tuesday? ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, आर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एस इज रिलेटेड टू टी, जे इज रिलेटेड टू एम, इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो द राइट आंसर इज सी, वाई। सो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव
आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, आर मंडे. तो यहाँ पे जो है डी राइट आंसर होगा. यहाँ पे मैं आपको आंसर इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोग जब सॉल्व करें तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें, और उसके बाद आंसर्स जो हैं वो चेक कर लीजिएगा कि जो आंसर्स मैंने बताए वो आप लोगों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्संस अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे. द राइट आंसर इज टू, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टी अटेंड्स द लेक्चर On which of the following day? The right answer is Wednesday. अब next question है हमारे पास, A train runs from Howrah to Bundel at an average speed of 20 km per hour and returns at an average speed of 30 km per hour. The average speed in km per hour of the train in the whole journey is. So ये maths का question है. तो इसका जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर. सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंसिंग बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes द डिस्टेंस वॉज. सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आंसर होगा 20 किलोमीटर. सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days एंड बी कैन कम्प्लीट सेम वर्क इन 15 days. इफ दे वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन. सो यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद राइट आंसर होगा वो होगा 6 days. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In a library, 60% of the books are in Hindi, 60% of the remaining books are in English, rest of the books are in Malayalam. If there are 4800 books in English, then the total number of books in Malayalam is. तो इसका जो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 3200. सो डी जो है हमारे पास वो क्या होगा, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sheetal is twice as good as workman as Babita and together they finish a piece of work in 18 days. Find the total number of days in which Babita can finish the work. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 54 days. बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, 54 days जो है वो राइट आंसर आएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, The average weight of 39 students in a class is 23. Among them, Sita is the heaviest while Tina is the lightest. If both of them are excluded from the class, still the average remains same. The ratio of weight of Sita to Tina is 15:8. Then what is the weight of the Tina? The right answer is 16. ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, 16. The next question is, in this question, A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. So यहाँ पे जो है सीरीज में जो क्वेश्चन जो सीरीज दी है सी जे पी फिर देन क्वेश्चन मार्क दिया है देन वाई एंड बी. सो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका जो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा सीरीज में. सो जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, यू. सो बी जो है हमारे पास वो राइट आंसर. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, David weighs 56 kg. If he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight. New weight is, so यहाँ पे जो right answer होगा इसको solve करने के बाद जो आपके पास answer आएगा वो क्या आएगा, 48 kg. So C जो है यहाँ पे right answer आएगा आपके पास solve करने के बाद. The next question is, pointing a photograph, Sheila said, he is the only son of my grandfather's only son. How is the boy is the photograph related to Sheila? The right answer is brother. The next question is, a man can row 6 km per hour in still water. If the speed of the current is 2 km per hour, it takes 4 hours more in upstream than in the downstream for the same distance. Find the distance. तो यहाँ पे distance find करके जो आपका answer आएगा वो आएगा 32 km. तो यहाँ पे right answer जो होगा वो होगा C, 32 km. The next question is, the sum of two numbers
दो नंबर का जो सम है वो 20 के इक्वल है, इज़ इक्वल टू 20 एंड द डिफरेंस, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 25। द रेशियो ऑफ़ द टू नंबर इज़, तो इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 9:1। सो ए जो है हमारे पास वो क्या होगा, राइट आंसर होगा 9:1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 49 एंड 50 क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना है। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ डी, एफ इज मदर ऑफ ई। सो यहाँ पे जो है ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ए जो है वो मदर है बी की, बी जो है वो सिस्टर है सी की, देन डी जो है वो सन है सी की, सन है सी का, एंड ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, ई एंड डी जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, देन एफ इज़ मदर ऑफ ई, देन जी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, एच हैज़ ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन जो है, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच, अब एफ जो है वो कैसे रिलेट करता है एच से। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डॉटर इन लॉ। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉटर इन लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, ई कैसे रिलेट करता है सी से, तो द राइट आंसर इज फादर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो यहाँ पे हमने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब ये हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो बाकी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।